So countries can apply non tariff barriers due to the dumping. Uh, dumping is the export of a commodity at a lower price abroad than the domestic market. Actually, sometimes in a specific country, the producers of any country sell them commodity in the international market at the lower rate at the lower price than the domestic market this can be intentional or this can be unintentional so there are three basically types of dumping to avoid such situation countries are compelled to apply non tariff barriers uh, that can be in form of quota that can be in form of uh, any any other non tariff barriers so first is persistent dumping or is uh, international price डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है पहले ये आइडिया समझना है व्हाट डज मीन बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जैसे हम लोगों ने डम्पिंग के स्टार्ट इंट्रो में बात की कि जब एक ही कॉमोडिटी किसी एक प्राइस पे किसी एक मार्केट पे कम प्राइस पे सेल हो रही हो और दूसरी मार्केट में हायर प्राइस के ऊपर सेल हो रही हो उसे कहा जाता है प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करना या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये परसिस्टेंट सॉर्ट ऑफ जो डंपिंग होती है दिस इज डन बाय सेलिंग द कमोडिटी एट अ हायर प्राइस इन द डोमेस्टिक मार्केट देन इंटरनेशनली अब इस केस के अंदर दिस सॉर्ट ऑफ डंपिंग कैन बी लीगल देर आर मेनी रीजन फॉर दैट दूसरी जो टाइप की डंपिंग है इसे कहा जाता है प्रीडेटरी डंपिंग और इस पर टेंप्रेरी सेल की जाती है किसी एक कॉमोडिटी की फ्राम आ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर इसमें मेन ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा दूसरे तरीके का होता है या इस वे में प्राइस डिस्क्रमिनेट की जा रही होती है जिसका ऑब्जेक्टिव कोई पॉजिटिव uh, नहीं होता जहाँ पर ये चीज़ बेची जा रही हो प्राइमरिली इसके अंदर किसी भी कंट्री का प्रोड्यूसर करता यह है कि वो डोमेस्टिकली प्राइस हाई चार्ज करता है और इंटरनेशनल लेवल पर उसी चीज़ की प्राइस कम चार्ज करता है और मोटिव ये होता है इस केस के अंदर कि अगर उसको सपोज चीज़ उसकी एक्चुअल प्राइस से जो उसकी कॉस्ट है अगर उससे भी कम बेचनी पड़ रही है तो वो बेच देता है उसकी प्राइम रीज़न ये होती है कि वो फॉरेन मार्केट के अंदर मोनोपोली अचीव करना चाह रहा होता है अब मोनोपोली इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें ये होता है कि सिर्फ एक सिंगल प्रोड्यूसर होता है पूरी मार्केट के अंदर जिसके पास पूरा कंट्रोल होता है मार्केट का या एक सेलर होता है जो पूरी मार्केट में आ, एक ही सेलर होता है जो उस चीज़ को सप्लाई कर रहा होता है या सेल कर रहा होता है तो इस केस के अंदर प्रीडेटरी डंपिंग के अंदर एक्चुअली टेम्प्रेरी तौर पे जो है वो आपकी कमोडिटी की सेल की जाती है एट अ लो कॉस्ट और एट अ लोअर मार्केट अप्रॉड टू टेक द न्यूली एक्वायर्ड मनापली पार अप्रॉड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का बेसिक जो आइडिया है उसकी कंडीशन में एक कंडीशन ये है कि इलास्टिसिटीज़ ऑफ डिमांड जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए डिफरेंट मार्केट्स में अब इस केस के अंदर जो डंपिंग की जाती है इस तरह की डंपिंग या इवन प्रायर टू दैट जो हमने परसिस्टेंट डंपिंग की जाए की बात की वो हमने लीगल बात की क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि मार्केट को एक्वायर किया जाए उस परसिस्टेंट डंपिंग में और प्रिडेटरी डंपिंग में ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है या प्राइमरी सॉरी डिफरेंस है इस केस के अंदर कि आपके पास परसिस्टेंट डंपिंग के अंदर जो सेलर है वो डोमेस्टिक मार्केट में तो मनोपली रखता है या एक सिंगल प्रोड्यूसर है लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में उसको कंपटीशन का सामना करना पड़ता है ज़्यादा सेलर होते हैं मार्केट में तो उस केस के अंदर उसको अपनी प्राइस कंपेटिटिव रखनी पड़ती है जिसकी वजह से वो मार्केट का कुछ शेयर ले सके तो इस टाइप की डंपिंग में ऐसे इशू नहीं है लेकिन जो प्रीडेटरी डंपिंग होती है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में या फॉरेन मार्केट में जाके ये प्रोड्यूसर उस मार्केट को कैप्चर करना चाह रहा होता है और सारे का सारा सरप्लस जो कंज्यूमर का है वो लेना चाह रहा होता है दैट इज़ अ डिफरेंस थर्ड टाइप ऑफ जो डिस्क्रिमिनेशन है या डंपिंग की कह लें उसमें सबॉटिक डंपिंग है इज द ओकेजनल सेल ऑफ अ कॉमोडिटी एट अ बिलो कॉस्ट और एट अ लोअर प्राइस टू अनलोड एंड अन एंड टेम्पररी सरप्लेस ऑफ द कॉमोडिटी विदाउट हैविंग टू रिड्यूस द डोमेस्टिक प्राइसेस अब ये वाला केस बड़ा इंटरेस्टिंग है मोस्टली ये केस फेस करते हैं डेवलप कंट्रीज जहाँ पे आपके पास एक बेसिक माइक्रो इकनॉमिक्स का रूल है कि जब सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है तो तब आपकी प्राइसेस गिरना शुरू हो जाती हैं तो इस केस के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं वो अपनी एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज़ को दूसरी जो मार्केट में डम करते हैं कम प्राइसेस के ऊपर भी और ये डेवलपिंग uh, कंट्रीज़ uh, के लिए भी टू सम एक्सटेंड एक uh, फ़ायदेमंद चीज़ होती है कि उनको इंटरनेशनल मार्केट से एक कंपेरेटिवली कम प्राइस के ऊपर चीज़ मिल रही है यहाँ पे सिर्फ केस ये है कि ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होती ये ओकेजनली okay होती है जैसे हम लोगों ने पहले बात की है कि किसी एक साल में या तीन साल के बाद या चार साल के बाद इवन कोई ऐसी सिचुएशन आई है कि जहाँ पे किसी एक कंट्री की जो डोमेस्टिक मार्केट है उसने बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया है या प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आई है एग्रीकल्चर स्पेसिफिकली अगर बात करें तो उस केस के अंदर इंडस्ट्रियल भी आती है इंटरेस्टिंग ये बात है इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और कंट्रीज़ uh, जो है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर अपनी चीज़ को डम करना चाह रहे होते हैं लेकिन प्राइमरीली ये आइडिया एग्रीकल्चर गुड्स से बहुत ज़्यादा रिलेट uh, करता है देन uh, uh, आपके पास जो जैसे मैंने पहले बात की कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव है फॉरन uh, मार्केट को कैप्चर करना डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का तो उस केस के अंदर ये इलीगल फॉर्म ऑफ होती है और यहाँ पे आ, आपके पास जो टेरफ है वो आपका ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इन एनी केस वो जस्टिफाई करते हैं क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है जैसे जापान ने ये किया था यूएसए का बड़ा क्लासिकल केस है कि जापान ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड वहाँ पे डम्प की थी कम प्राइस पर सेल की थी अल्टीमेटली यू हैड टू बेसिकली अप्लाई ट्रेड रिस्ट्रिक्शन टू द जैपनीज प्रोडक्ट्स पर्टिकुलरली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स तो उस केस के अंदर ये बड़ा हाईलाइट होता है कि उस कंट्री की जो डोमेस्टिक मार्केट है क्योंकि वहाँ पे मेनोपली क्रिएट की जा रही होती है तो वो इफेक्ट होती है तो उस केस के अंदर कंट्रीज एक्ट करती हैं और उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इस सॉर्ट ऑफ डंपिंग को रोका जाए जब प्राइस आप सपोज आई एम अ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर और आई वॉन्ट टू सेल माई कॉम्डिटी इन पाकिस्तान एंड इन यू एस एज वेल और यहाँ पे मैं अपना ऑब्जेक्टिव ये रखता हूँ कि मैं अपनी चीज़ को यू एस ए की मार्केट में बेचूँ और वहाँ पर मनापली लूँ तो अगर ये रियलाइजेशन होती है यू एस ए के अंदर देन यू एस ए स्टेट वहाँ पर नॉन टेरफ बैरियर्स मेरे ऊपर लगा सकती है किसी भी फॉर्म के अंदर जो हम लोगों ने पहले अभी पढ़े तो उस केस के अंदर क्या होगा अल्टीमेटली मेरी चीज़ की प्राइस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी और फिर वंस अगेन दैट विल बी कम्पटिटिव प्राइस कि जो वहाँ के प्रोड्यूसर की प्राइस है उसके साथ मैच करेगी और वहाँ पे फिर फेयर प्ले होगा आप अपनी चीज़ बेच सकते हैं बट एट अ फेयर प्राइस देन जैसे मैंने पहले बात की कि मोस्टली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज अपनी डंपिंग करती हैं तो यूरोपियन यूनियन का बड़ा एक क्लासिकल केस है कि वो अपनी एग्रीकल्चर गुड्स को नॉर्मली डंप कर रहे होते हैं तो ये एक डंपिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो नॉन टैरिफ बैरियर्स की एक रीज़न बनती है डंपिंग कि जब आपके पास डंपिंग वाला कॉन्सेप्ट आता है तो कंट्रीज के पास ये ऑप्शन मौजूद होती है अगर वो इस केस को असेस करते हैं और ये कहीं पे प्रूव होता है तो वो नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा सकते हैं